जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का OPS न्यूज पर। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर राजस्थान विधानसभा में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री, क्या अशोक गहलोत एक बार फिर से अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो पाएंगे, या दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार बना लेगी। जिस तरह से दोस्तों वर्तमान मौजूदा राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत यहां पर मुख्यमंत्री है, इससे जस्ट पहले दोस्तों बीजेपी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जो है ना वो दोस्तों राजस्थान की मुख्यमंत्री थे। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली ना, उसके कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर लगभग सभी किसानों का कर्ज माफ करने की जो घोषणा करी थी और कर्ज माफ कर दिया गया, लगभग दोस्तों 1.5 से लेकर 2-2 लाख रूपए तक का जो कर्ज माफ है ना वो दोस्तों राजस्थान के सभी किसान परिवारों का किया गया। उसके अलावा किसानों के लिए दोस्तों नए बिजली के कनेक्शन अलॉट किए गए, सोलर सिस्टम लागू किया गया। और साथ ही दोस्तों अभी जिस तरह से कोरोना काल का जो दौर चल रहा है ना, तो राजस्थान मौजूदा सरकार की तरफ से चिरंजीवी योजना चलाई गई और इस योजना के अंतर्गत कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज भी प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री किया जा रहा है। अच्छा, वही दोस्तों 108 और 104 एम्बुलेंस सेवा राजस्थान सरकार की तरफ से शुरू की गई, जिसके मद्देनजर आपको बता दें कि राजस्थान में हॉस्पिटल लाने और ले जाने के लिए दोस्तों यहां पर एम्बुलेंस सेवा बिल्कुल फ्री में चल रही है। उसके अलावा जननी सुरक्षा योजना, बहुत सारी भर्तियां भी निकाली गई। कुल मिलाकर राजस्थान का जो शासन काल है ना, अब तक का एवरेज अच्छा ही रहा है। ऐसे में जानते हैं दोस्तों आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों जानेंगे यहाँ पर राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के जनता की राय के ओपिनियन पोल के बारे में कि आखिर दोस्तों 200 में से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, और दोस्तों वहीं RLP पार्टी जो कि हनुमान जी बेनीवाल की तरफ से राजस्थान में बनाई गई है उसको कितनी कितनी सीटें मिल सकती है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान राज्य के गंगानगर जिले से। गंगानगर जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं और जिस तरह से जनता की राय और ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहे हैं ना, 6 में से दोस्तों आधी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा बन सकता है, यानी कि 6 में से 3 सीटें बीजेपी हासिल कर सकती है, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, जबकि 1 सीट जो है ना वो दोस्तों RLP पार्टी को मिल सकती है, यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है ना उसको 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है गंगानगर में। और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर दोस्तों कुछ भी सीटें नहीं जा सकती है। कुल मिलाकर 6 सीटों में से 3 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को और 1 सीट RLP को मिल सकती है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में दोस्तों विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं और जिस तरह से 7 सीटों पर अगर ओपिनियन पोल की बात करें ना, तो 7 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट जो है ना वो दोस्तों RLP पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों अगली चर्चा करते हैं जैसलमेर जिले की। जैसलमेर को दोस्तों राजस्थान की मरुधरा कहा जाता है। वैसे तो पूरे राजस्थान का एक सिस्टम है ना, पधारो मारे देश, मतलब दोस्तों राजस्थान की जो संस्कृति है एक पूरे भारत वर्ष में एक विचित्र संस्कृति है। यहाँ पर दोस्तों प्यार मोहब्बत सबसे ज्यादा है, लोगों का सम्मान किया जाता है। एक रजवाड़ी सभ्यता का अगर आप आकलन करना चाहो ना, तो दोस्तों राजस्थान की जो जितने भी जिले है ना उसके सभी जिलों पर दोस्तों यहाँ पर कितना आपको मोहब्बत मिलेगी, कितना प्यार मिलेगा ना, ये एक बार आप राजस्थान आके ही देख सकते हो। ऐतिहासिक जिला है दोस्तों राजस्थान में, जिस तरह से चित्तौड़ का किला, आमेर का किला, जैसलमेर का किला, जोधपुर का किला, मतलब बहुत सारे गढ़ और किले यहाँ पर राजस्थान में है। और दोस्तों बहुत ही ज्यादा यहाँ पर राजस्थान में पर्यटकों का आना जाना यहाँ पर हमेशा से ही लगा रहता है। जैसलमेर जिले की बात करें, जैसलमेर की हवेलियाँ बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पर दोस्तों पूरे भारत देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी जैसलमेर की हवेलियाँ देखने के लिए आते हैं। बात करते हैं जैसलमेर विधानसभा की कुल सीटों की, तो यहाँ पर कुल दोस्तों 2 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी जो है ना वो दोस्तों बराबर बराबर समर्थन हासिल कर सकती है। 2 में से 1 सीट जैसलमेर में दोस्तों बीजेपी को मिल सकती है और 1 सीट ही कांग्रेस पार्टी को यहाँ से हासिल हो सकती है। अगली चर्चा करते हैं राजस्थान की बाड़मेर जिले की। बाड़मेर जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं और जिस तरह से जनता की राय सामने आ रही है ना, 7 में से दोस्तों 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और वही दोस्तों 3 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। मतलब बाड़मेर जिले में भी दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर बराबर समर्थन मिल सकता है और वहीं एक आध सीट जो है ना बाड़मेर की वो दोस्तों यहाँ पर RLP पार्टी को मिल सकती है। जालौर की बात करें तो जालौर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं और यहाँ पर भी दोस्तों 5 में से लगभग 2-2 सीटें जो है दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस क्रमशः दोनों ही पार्टियों को मिल सकती है। जालौर में भी दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस को बराबर बराबर जनता का समर्थन मिल सकता है और यहाँ पर दोस्तों 1 सीट जो है किसी अन्य पार्टी के कब्जे में जा सकती है। सिरोही जिले की चर्चा करें तो सिरोही जिले में दोस्तों विधानसभा की 3 सीटें हैं और 3 सीटों में से फिलहाल बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से जनता की राय की अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो सिरोही में दोस्तों सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी बन सकती है और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। उदयपुर जिले की चर्चा करें, उदयपुर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं और दोस्तों राजस्थान की जो पहले पुराने टाइम पर राजधानी जो है वो उदयपुर हुआ करती थी। उदयपुर एक बहुत ही बड़ी रियासत थी। महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, इन सभी का जीवन चरित्र का जो एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है ना वो दोस्तों उदयपुर से समझा जाता है। राजा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था। यहाँ पर विधानसभा
विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं और 8 में से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है कुल 4 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां से दोस्तों 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। और वहीं उदयपुर में भी दोस्तों एक सीट जो है ना वो आरएलपी या फिर अन्य पार्टी को हासिल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को आधी सीटें यानी कि 4 सीटें मिल सकती है और वहीं 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। डूंगरपुर की बात करें, डूंगरपुर जो है ना एक आदिवासी इलाका है दोस्तों, यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। 4 सीटों पर भी दोस्तों अगर जनता की राय और ओपिनियन पोल की बात करें ना तो दोस्तों 4 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी को और 1 सीट ही आरएलपी पार्टी को यहाँ पर मिल सकती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों ही जिले जो है वो दोस्तों राजस्थान के आदिवासी बाहुल इलाकों में माने जाते हैं। चलिए इसी के साथ अगली चर्चा बांसवाड़ा की कर लेते हैं। बांसवाड़ा में दोस्तों विधानसभा की 5 सीटें हैं और 5 में से यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगली चर्चा करें प्रतापगढ़ जिले की। प्रतापगढ़ जिला राजस्थान का नया बना हुआ जिला है और प्रतापगढ़ जिले में दोस्तों विधानसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर जिस तरह से जनता की राय सामने आ रही है ना, 2 में से एक एक सीट परस्पर दोनों ही पार्टियों को मिल सकती है, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को। चित्तौड़गढ़ की चर्चा करें दोस्तों, गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब तो गढ़ैया, इस बात को आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर या दोस्तों कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ सुना होगा देखा होगा। ये जो पद्मिनी का महल है वो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में ही बना हुआ है। जो पद्मावती मूवी आई थी ना वो दोस्तों चित्तौड़गढ़ के ही इतिहास को संजोए हुए यहाँ पर बनी हुई थी इस मूवी में। चित्तौड़गढ़ ऐतिहासिक जिला है, यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। बात करें 5 सीटों के विधानसभा के ओपिनियन पोल की तो दोस्तों 5 में से 3 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़ की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी बन सकती है। झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ में दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं और 4 सीटों पर जिस तरह से जो जनता की राय और ओपिनियन पोल सामने आ रही है ना दोस्तों, 4 में से 1 सीट यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती है और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, झालावाड़ की सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस बन सकती है। कोटा जिले की बात करें, कोटा जिले को दोस्तों राजस्थान में शैक्षणिक नगरी कहा जाता है, शिक्षा की नगरी, मतलब मेडिकल की शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिहाज से राजस्थान का सबसे बड़ा शहर और जिला जिसे कहें तो दोस्तों कोटा जिला कहा जाता है। और यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से दोस्तों 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा बन सकता है, 2 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकती है जबकि आरएलपी पार्टी को दोस्तों यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कोटा की 6 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस जबकि 1 सीट आरएलपी पार्टी को मिल सकती है। 12 जिले की चर्चा करें तो 12 जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं और 4 सीटों पर जिस तरह से जो जनता की राय और ओपिनियन पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं ना उसके मुताबिक दोस्तों 4 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हासिल हो सकती है और 2 सीटें जो है 12 जिले की वो दोस्तों कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और वहीं 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सवाई माधोपुर जिले की चर्चा करें दोस्तों, सवाई माधोपुर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं और दोस्तों सवाई माधोपुर की जिस तरह से 4 सीटों के जो ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहे हैं जनता की तरफ से उसके मुताबिक दोस्तों यहां पर आधा आधा समर्थन सभी पार्टियों को भेट सकता है। 4 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जबकि 2 सीटें ही कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकती है। अगली चर्चा करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की। तो दोस्तों जयपुर में विधानसभा की कुल 19 सीटें हैं और सीटों के लिहाज से दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जयपुर है जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं। और जानते हैं दोस्तों जयपुर के विधानसभा के ओपिनियन पोल के बारे में और उसके बाद जानेंगे यहाँ पर कि राजस्थान के कुछ बचे हुए जिलों के साथ ही कि आखिर में दोस्तों किसकी बन सकती है सरकार, कौन राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन 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 उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आर्यवर्त के नाम से किस देश को जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, आर्यवर्त के नाम से किस देश को जाना जाता है। ऑप्शन ए भारत देश को, ऑप्शन बी नेपाल को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार स्मार्ट वॉच बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा ये जो वॉच है वो दोस्तों ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर काम करता है। कंपनी की तरफ से यहाँ पर हमारे को स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत मिला हुआ है जो कि सही जवाब देने वाले किसी एक खास विजेता को सीधा गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना एक रुपया भी चार्ज लिए। और हाँ, विजेता की जो घोषणा है वो हमारे कल के वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी अगर जयपुर की चर्चा करें तो जयपुर में विधानसभा की कुल 19 सीटें हैं और 19 में से यहाँ पर दोस्तों 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हो सकती है और वहीं कांग्रेस पार्टी जयपुर में 9 सीटों पर जीत
सीट हासिल कर सकती है, जबकि दोस्तों आरएलपी को यहां पर दो सीटें मिल सकती है और एक सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हां दोस्तों, जयपुर में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी बन सकती है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और यहां पर विधानसभा भी दोस्तों जयपुर में ही बनी हुई है। करौली जिले की चर्चा करें तो करौली में विधानसभा की चार सीटें हैं और चार में से दोस्तों आधा आधा समर्थन दोनों ही पार्टियों को मिल सकता है। दो सीटें भारतीय जनता पार्टी को और दो सीटें ही कांग्रेस पार्टी को यहां से हासिल हो सकती है। चलिए धौलपुर की अगर बात करें तो धौलपुर में विधानसभा की चार सीटें हैं और यहां पर भी आधा आधा रेसो बैठ सकता है। चार में से दो बीजेपी को और दो सीटें ही कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकती है। भरतपुर जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल सात सीटें हैं और सात में से यहां पर तीन सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और तीन सीटें दोस्तों कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकती है, जबकि एक सीट या तो दोस्तों आरएलपी को मिल सकती है और या किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हां दोस्तों, भरतपुर में आधा आधा रेसो बैठ सकता है। अलवर जिले की चर्चा करें तो अलवर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। 11 सीटों पर जनता की राय और ओपिनियन पोल की बात की जाए तो 11 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत का कब्जा बन सकता है। दो सीटें अलवर की दोस्तों आरएलपी पार्टी को यहां पर हासिल हो सकती है। सीकर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं और 8 सीटों पर जिस तरह से जो जनता की राय और ओपिनियन पोल आ रहे हैं ना, 8 में से दोस्तों 4 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, जबकि यहां पर 3 सीटें दोस्तों आरएलपी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया का विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर जो है सीकर जिले में है और यहां पर 8 में से 4 सीटें बीजेपी को और 3 सीटें आरएलपी को मिल सकती है, एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। झुंझुनू जिले में दोस्तों विधानसभा की 7 सीटें हैं और 7 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा बन सकता है और साथ ही दोस्तों दो दो सीटें कांग्रेस और आरएलपी दोनों ही पार्टियों को क्रम से यहां पर मिल सकती है। चूरू जिले की बात करें तो दोस्तों राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू जिला ही है और यहां पर विश्व प्रसिद्ध सालासर भगवान का मंदिर है। जिस तरह से चूरू जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं और 6 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हासिल हो सकती है और वहीं एक सीट यहां पर दोस्तों आरएलपी पार्टी को भी मिल सकती है। चलिए दोस्तों अगली चर्चा करते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की। भीलवाड़ा जिले में दोस्तों पूरे भारत देश का सबसे ज्यादा कपड़े का उत्पादन किया जाता है, मतलब भीलवाड़ा जिले को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। देश के सभी राज्यों से जहां पर बिहार मध्य प्रदेश लगभग कई राज्यों से दोस्तों राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की कपड़ा मिलों में आपको वर्कर काम करते हुए नजर आ जाएंगे। भीलवाड़ा जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं और 7 सीटों की अगर ओपिनियन पोल की चर्चा करें ना, तो 7 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की यहां पर जीत हासिल हो सकती है। और वही दोस्तों अगली चर्चा में बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं और 5 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी को और एक एक सीट कांग्रेस और आरएलपी पार्टी को हासिल हो सकती है। अगली चर्चा करते हैं नागौर जिले की। नागौर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं और यहां पर दोस्तों जिस तरह से जनता की राय और ओपिनियन पोल का जो आंकड़ा आ रहा है ना, आप खुद जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि नागौर की सभी 10 में से 10 सीटों पर आरएलपी पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। जी हां दोस्तों, नागौर में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को शायद यहां पर खाता खुलना भी मुश्किल प्रतीत हो रहा है। सभी 10 सीटों पर आरएलपी पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। जोधपुर की चर्चा करें, जोधपुर जिले में दोस्तों कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं। जोधपुर का जो किला है ना दोस्तों, मेहरानगढ़ का किला, वो विश्व प्रसिद्ध किला है। देश विदेश से जो पर्यटक है यहाँ पर दोस्तों घूमने फिरने के लिहाज से आते हैं। बात करें जोधपुर की 10 विधानसभा की सीटों की, तो 10 में से 4 सीटें बीजेपी को और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। यहाँ पर दोस्तों आरएलपी पार्टी को एक सीट मिल सकती है, जबकि 2 सीटों पर किसी अन्य पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। पाली जिले की चर्चा करें तो पाली में दोस्तों विधानसभा की 6 सीटें हैं और 6 सीटों पर जिस तरह से जो जनता की राय का आंकड़ा आ रहा है ना दोस्तों, बीजेपी कांग्रेस और आरएलपी तीनों ही पार्टियों को क्रम से यहां पर 2-2 सीटें मिल सकती है। जी हां दोस्तों, पाली में लगभग सभी पार्टियों को बराबर बराबर समर्थन बैठ सकता है। अजमेर जिले की बात करें, अजमेर जिले में दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यहां पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं और यहां पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों को ही बराबर बराबर सीटें मिल सकती है। 8 में से 4 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटें ही कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकती है। बूंदी जिले में 3 सीटें हैं और 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। राजसमंद जिले में दोस्तों विधानसभा की 4 सीटें हैं और 4 सीटों में से भी दोस्तों बराबर बराबर आधी आधी सीटें, 2 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें ही कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। टोंक जिले में भी दोस्तों 4 सीटें और यहां पर भी 2-2 सीटों का रेसो बैठ सकता है, 2 बीजेपी को और 2 कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। और सबसे आखिर में चर्चा करते हैं राजस्थान के दौसा जिले की। दौसा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं और यहां पर 5 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर आरएलपी पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपने जाना कि राजस्थान की 200 विधानसभा की सीटों की अगर जनता की राय और ओपिनियन पोल की बात करें ना, तो लगभग दोस्तों 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 70 से लेकर 75 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है और वहीं 30 से लेकर 35 सीटों के आसपास
आरएलपी पार्टी हासिल कर सकती है। लगभग 5 से 7 सीटें दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन सकती है और सरकार बीजेपी की ही बनती हुई नजर आ रही है दोस्तों, जिस तरह से जनता की राय की अगर बात करें तो। हालांकि बीजेपी की सरकार बनती है तो दोस्तों राजस्थान की जो अगले मुख्यमंत्री है वो वसुंधरा राजे सिंधिया बन सकते हैं, और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो दोस्तों अशोक गहलोत जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वही दोस्तों आगे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, या फिर सचिन पायलट के नाम से भी एक युवा चेहरा सामने आ रहा है, वो भी दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वैसे दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपकी राय के मुताबिक राजस्थान का अगला जो मुख्यमंत्री है वो कौन बन सकता है दोस्तों, आप अपनी राय हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।